नहीं सुनो, हम गरियाते भी बहुत हैं और गाली से नहीं मानते, मारते भी बहुत हैं। तुमको 6 चिट्ठी लिखी गई है और इसका नहीं कर रहे हो। ये पीएम जनता यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं ना, परेशान है बहुत दिन से, तो यहाँ आकर। और ये जो तुम्हारा इधर ये खंड अलग है, तो सब पूरा जो है बर्बाद करके रख दिया तुमने। तुम्हारा क्षेत्र है, बता देते हैं। हर सांसद जैसे बोलेंगे ऐसा काम नहीं चलेगा, बताइए। जरा पूरा क्षेत्र घुसेड़ देंगे, पिछड़ा पोर्शन तो काली गुफा बन जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, फटे ढोल लगेंगे। और बता जरा, सुबह सुबह बैठेंगे तो हाय रे भैया बाबा सील वाली परेशानी, यहाँ एक मोमबत्ती घुसा तो दिक्कत हो जाती है। ये तो पूरा क्षेत्र घुसेड़ देंगे, हैरान मत होगे। मानो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का अब सोशल मीडिया पर सांसद उपेंद्र रावत की भैया ये आडियो बहुत तेजी से वायरल हो गया है, जिसमें अभियंता साहब से बात कर रहे हैं। और ये अभियंता साहब भैया जिनका नाम संजय गुप्ता कोनो लायक नहीं भैया, ये महिलाओं को प्रताड़ित करते, बहुत ज्यादा परेशान करते। कई बार इनके कार्यालय के सामने इन्हें कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर चुके, लेकिन अभियंता साहब सुनवाई नहीं करेंगे। भैया जनता ने सांसद जी को घेर लिया कि बताइए पुलिया टूटी पड़ी है, कैसे सांसद हो, एक पुलिया नहीं बनवा पा रहे हो। विधायक भी कहने लगे, सुंदरलाल दीक्षित भी कहने लगे पूर्व विधायक होना का था। सांसद जी ने तत्काल फोन लगाया, उसके बाद अभियंता साहब को मिला कि बताओ भैया अभियंता साहब कहाँ चाहते हो, कई बार तुमको कहा लगातार एप्लीकेशन दिया गया, चिट्ठी पर चिट्ठी मिली है तुमको, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं कर रहे हो, एस्टीमेट नहीं बना पा रहे हो। हेलो हेलो जी साहब, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कहाँ हो भाई, आज यहाँ बुलावा कर आया हो? नहीं नहीं सर, हमको तो पाद पता चला, बड़े साहब गए हैं, छोटे और जेई साहब गए हैं, दोनों लोग गए हैं। मैं सर लगा हुआ हूँ पत्रकार के पास, हमारे यहाँ 14-15 समितियों का वो है मीटिंग हुआ था, उसका टेंडर निकालना था साहब। हम लगे हो टेंडर वो समिति के नहरों का? अच्छा, तो ये कानूपुर का पुल बहुत महत्वपूर्ण पुल है, इस पर हमने कई बार चिट्ठी लिखी है और तुमका चिट्ठी 5-6 लिखी गई है, लेकिन एस्टीमेट नहीं बना रहे उसका। कौन कह दिया साहब हम एस्टीमेट नहीं बना रहे, ऐसा नहीं है सर। तो यहाँ कब आओगे, पुल पे कब आओगे? सर मैं सब काम छोड़ के आ जाऊंगा साहब, बंद कर देता हूँ सब काम, आ जाता हूँ। कब आइए? बस अभी आ जाता हूँ साहब, बताएं सर। कितना टाइम लगेगा सर? कितना दूर है यहाँ से? करीबन 17-18 किलोमीटर है ना, 18 किलोमीटर ऐसा है सर। मैं अभी निकलता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं इन्हीं के पास बैठा था, पत्रकार लोगों को बुलाया था मैं देने के लिए, कागज बन ही गया है, दे भी दिया हूँ इन लोगों को। आ जाता हूँ सर मैं, बस निकल। कितना टाइम लगेगा? आज ना ये, क्योंकि आज हम यहाँ से निकलने वाले हैं। ठीक है सर, अगले दिन कोई टाइम रख लीजिए, कभी हो। कहाँ सर? चाहे आवास पे सर? नहीं आवास पे नहीं, यही पुल देखेंगे। जनता यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं ना, परेशान है बहुत दिन से, तो यहाँ सर गए हैं ना अधिशासी अभियंता महोदय, गए हैं यही गए हैं। अधिशासी अभियंता की बात अब न करो तुम, ठीक है? हेलो सर, हाँ तुम्हारा क्षेत्र है, बता देते हैं। ठीक है सर, आ जाएंगे सर आप। हमको हमको दिन बताओ किस दिन आओगे। सर मैं तो रोज रहता हूँ सर, आप जब कहेंगे तब आ जाएंगे। नहीं सुनो, हम गरियाते भी बहुत हैं और गाली से नहीं मानते, मारते भी बहुत हैं। अभी मारना भी जानते, गरियाना भी जानते, जो भाषा में समझोगे भैया वो भाषा में समझाना भी जानते। अब सांसद उपेंद्र रावत के अंदर तो भैया क्या बता, सनी देओल की आत्मा तो नहीं घुस गई? बिल्कुल भैया फिल्मी डायलॉग मार रहे थे बहुत कायदे से। हम गांधी जी को भी पूछते हैं, चंद्रशेखर आजाद को भी, तू किस तरह समझना चाहता है? हर सांसद जी गरिया के भी समझाना जानते हैं भैया, और प्यार से भी समझाना जानते हैं, तुम कौन भाषा में समझोगे बताओ, लठियाना भी जानते हैं। सर मैंने ऐसा दिन बताओ, हमको दिन बताओ किस दिन आओगे, ये खाली इतना बता दो। जब कहेंगे मतलब तुम्हारे पास मैसेज जाएगा, तुम आओगे नहीं? सर मैं कहीं फंसा हुआ था साहब, मुझे पता चला फोन है, घुसने देंगे ताला लगा देंगे, वहीं बैठेंगे आकर के तुम्हारे ऑफिस के सामने, विधायकों के टिकट कटवाते हैं। हम क्यों कटवाएंगे साहब, बताया ना, रामनरेश रावत का टिकट कटवा दिया तुमने, हम क्यों कटवाएंगे साहब? आओगे किस दिन ये बताओ पहले। सर जब बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा साहब। ये तुमको 6 चिट्ठी लिखी गई है और इसका नहीं कर रहे हो। ये पीएम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ये सड़क बन रही है और ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क बन रही 20.5 किलोमीटर की हमने मंजूर कराई है, उसमें चूना लगा रहे तुम। सर हमारे स्तर से कोई दिक्कत ना हुई होगी सर, पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन है। आओ जब आओगे तब बताएंगे ना। हर सांसद जी इससे बुलाओगे तब अभियंता साहब नहीं आएंगे, उनके बुखार चढ़ गया, कहने उनका छुट्टी दे दो भैया, दुर्घटना हो सकती है। इनका करेजा डोलने लगा कि बाप रे बाप भैया, हम नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमका छुट्टी दो साहब, जो छुट्टी दो ना सांसद जी चढ़ बैठेंगे हम पर। चाहे जहाँ मिल लो, तुम हैदरगढ़ में आ जाओ ना, पुल पे आना हो पुल पे आ जाओ, तो यहाँ जनता भी बैठी है, जनता है वो भी मिलेगी तो देखेगी, अन्यथा हैदरगढ़ में आओ। तुम्हारा बिगाड़ करके रख दिया पूरा, उधर हमने
आठ पुल मंजूर करा दिए बाराबंकी की तरफ सब करा करके, और ये जो तुम्हारा इधर ये खंड अलग है तो सब पूरा जो है बर्बाद करके रख दिया तुमने। मैं तो सर अभी आया हूँ, अभी एक साल भी नहीं हुआ सर आए हुए हमको। मैं बताता हूँ ना, फट करके हाथ में आ जाएगी। सांसद जी को फाड़ने में बड़ा मजा आता है, जितनी जोर से फाड़ते की काम था, जितनी जोर से भैया बलून नहीं फटता होगा उतनी जोर से देख लो सांसद जी फाड़ देंगे। अब अधिकारी सब करेजा डोर रहा था, इस जनरेशन में ना किसी को प्रताड़ित करेंगे और ना कोई काम रोकेंगे। देखो बुखार चढ़ने लगा। रिकॉर्डिंग करना हो रिकॉर्ड कर ले और वायरल कर दे। कब आओगे पुल पे ये बताओ? सर जब कहेंगे तब आ जाएंगे साहब। हाँ तो जब जब तुमको आना हो तो बताओ। ठीक है सर। सर संजय गुप्ता साहब सर सर बोल रहे थे, अब क्या करे बेचारे, सर पकड़ के बैठ गए कि हाँ रे भैया गलतियां हो गई हमसे, बेकार में काम नहीं किया, पहले सांसद जी का काम करने वाला था, अब छुट्टी का अप्लीकेशन दिया कि साहब ले लो अप्लीकेशन, हमको जाने दो, हमको मानसिक रूप से शारीरिक रूप से लगा था भैया लड़की बन गए कहीं शारीरिक रूप से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। सब भैया कौन सा प्रताड़ित होता हम तो समझ नहीं पाए, पर फिलहाल ये ऑडियो वायरल हो रही है, इस पर आपकी कार कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे हम तो कहना चाहेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह जी से जो बगैदा केसरगंज से सांसद है और इनके साथ ही रंजीत बाबू श्रीवास्तव से, अरे भैया तारीख बहुत बगैदा जानकारी लीजिए और बगैदा कुछ सीखिए सांसद उपेंद्र रावत से कि कैसे काम निकाला जाता है और कैसे अधिकारियों पर शिकंजा कसा जाता है, वरना अधिकारी सब काम नहीं करेंगे, ये बकायदा उठ के भागेंगे और तुम अप्लीकेशन देते रह जाओगे और फिर कहोगे कि बोलेंगे तो भागी हो जाएंगे। फिलहाल इस पर आपकी कार कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। शिव मैया हर जुड़ी खबर इससे मिलेगी, तो बात बोलेंगे इसके पर फिलहाल।